वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल, बिकॉज आज की वीडियो बनाई गई है उन लोगों के लिए जो स्किन केयर वीडियोज़ देखना तो बहुत पसंद करते हैं बट कोई स्किन केयर फॉलो नहीं करते। उसके कई रीज़न हो सकते हैं, एक तो आप उतना टाइम नहीं दे पाते और उतने पैसे नहीं खर्च पाते। रही बात पैसे की, उसकी तो बिल्कुल टेंशन ही ना लो, बिकॉज आज का ट्रीटमेंट रहने वाला है लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आते हैं वक्त के ऊपर। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो मैं जानता हूँ जो स्किन केयर वीडियोज़ देखते तो बड़े शौक से हैं बट कोई स्किन केयर फॉलो नहीं करते और अच्छी स्किन की डिज़ायर भी रखते हैं। तो ये वाली वीडियो स्पेशली आपके लिए ही बनाई गई है। आज हम आपके लिए रेडी करवाने वाले हैं एक क्लिंजर, स्क्रब और मास्क ऑल इन वन। ये तीनों चीजों का काम करेगा वो अकेले ही। बेनिफिट्स क्या क्या देने वाले हैं पहले वो बताता हूँ। ग्लास स्किन के डिजायर रखते हो, पिगमेंटेशन हटाना है, डार्क स्पॉट हटाना है, ओपन पोर्स को श्रिंक करना है, जबरदस्त वाला ग्लो चाहिए या फिर आपके फेस पे हो रहे हैं एक्ने के निशान, रिंकल और फाइन लाइन से परेशान हो तो भी ये वाला ट्रीटमेंट बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। और इतने मामूली इंग्रेडिएंट्स हैं, इतने इजी टू प्रिपेयर है कि आपको बस मजा ही आ जाएगा। और देखो, इतना वक्त तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर 10 मिनट अपनी स्किन के लिए आप नहीं दे सकते तो फिर आपको स्किन केयर वीडियो देखना ना देखना बात एक ही बराबर है। जो हमारा आज का 3-in-1 प्रोडक्ट रेडी होने वाला है वो कैसे आपकी स्किन के लिए काम करेगा पहले आपको वो बताते हैं। सबसे पहले वो एक कमाल का क्लेंजर है, आपकी स्किन की टॉप लेयर को प्रॉपरली क्लेंस करेगा। दूसरा वो एक कमाल का स्क्रब है, विद इन द पोर्स जाके आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट आउट करेगा और आपकी स्किन को इवन करने का काम करेगा। नंबर 3 वो एक कमाल का फेस मास्क है, आपके पोर्स को प्रॉपरली श्रिंक करने का काम करेगा और मेक श्योर करेगा स्क्रबिंग करने के बाद आपके पोर्स ओपन अप ना रहे और उसका ग्लो लंबे समय तक बना रहे। तो जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, एक ऑल इन वन प्रोडक्ट है, ये ऑल इन वन ट्रीटमेंट है, एक समाधान हर समस्या का। ना किसी डिले के शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और आपको बताते हैं हाउ टू अचीव ग्लास स्किन विद वन स्टेप। अपने मेन ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपने सबसे जरूरी काम करना है, अपने फेस को प्रॉपरली क्लींस करना है। अब आप वो पानी से भी कर सकते हो, एक फेस वॉश से भी कर सकते हो या फिर रॉ मिल्क से कर सकते हो। बस जो भी ट्रीटमेंट है उसका बेस्ट रिजल्ट तब मिलता है अगर आपका फेस प्रॉपरली क्लीन हो। आप अगर रॉ मिल्क लेते हो ना, उससे बढ़िया क्लींजर आपकी स्किन के लिए नहीं बना कोई, बिकॉज उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड जो आपकी स्किन को माइल्डली एक्सफोलिएट करता है और मेक श्योर करता है क्लियर कैनवस रेडी हो जाए जो जो भी ट्रीटमेंट होने वाला है स्किन पे उसके बाद के लिए। जब आपका फेस प्रॉपरली क्लींज हो चुका है, सीधा आगे बढ़ते हैं मेन ट्रीटमेंट की तरफ, जो है हमारा आज का DIY क्लींजर, स्क्रब एंड मास्क। मामूली 3 इंग्रेडिएंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है। पहले इंग्रेडिएंट जान लेते हैं, थोड़े उसके फायदे जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे रेमेडी की तरफ। इंग्रेडिएंट नंबर 1, पोटैटो जूस या फिर कहें आलू का रस। जो आलू का रस होता है ना वो बहुत पोटेंट होता है, बिकॉज उसके अंदर होता है बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी जो इंस्टेंटली आपकी स्किन को ब्राइटन अप कर देता है। अगर डार्क स्पॉट से परेशान हो, पिगमेंटेशन से परेशान हो या डार्क सर्कल से परेशान हो, बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। सिर्फ आलू का रस लो और कॉटन से वहां लगा सकते हो जो जो अफेक्टेड एरिया। इसके अलावा प्री मेच्योर एजिंग, रिंकल्स हो गए, फाइन लाइंस हो गए, हर समस्या पे प्रॉपरली वर्क करता है। कुल मिला के ये स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग में हेल्प करता है। कोई भी अगर आपका फेस का पार्ट नॉर्मल से डार्कर अपेयर करता है उसको ये बराबर करने का काम करता है, जिससे आपको मिलते हैं इवन और ग्लोइंग स्किन। तो आलू के रस को आप अलग से भी यूज कर सकते हो बट जो हमारा आज का ट्रीटमेंट है उससे बहुत पोटेंट इंग्रेडिएंट है पोटैटो जूस, जो अमेजिंग रिजल्ट देने वाला है आपकी स्किन के लिए। इंग्रेडिएंट नंबर 2, कर्ड ऑल्सो नोन एज दही। इसके अंदर प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड जो माइल्डली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और यंगर लुकिंग स्किन या न्यूअर लुकिंग स्किन की ग्रोथ में हेल्प करता है। जो आपकी स्किन है ना उस पर डेड स्किन की लेयर इकट्ठी हो जाती है, तो दही मेक श्योर करता है उस लेयर को हटा दे, जिससे आपको मिले क्लियर और ग्लोइंग स्किन। सिर्फ यही नहीं, अगर एक्ने के स्कार्स हैं, आपके पोर्स ओपन है या फिर फेस पे ग्लो नहीं है, डल रहता है फेस, उसके लिए बहुत इफेक्टिव रहता है दही, बिकॉज वो एक माइल्ड एक्सफोलिएटर है जैसे मैंने आपको जस्ट बताया। अगर आपको नॉर्मली दही को अपने फेस पे यूज करना है ना एज अ ट्रीटमेंट अलग से भी, तो आप क्या कर सकते हो, दही की क्वांटिटी ली, फेस को थोड़ा सा वेट किया और पूरा उससे प्रॉपरली मसाज कर दिया, वो इतना जबरदस्त क्लींजिंग करेगा ना, बेस्ट ऑफ बेस्ट मसाज क्रीम है ना, उसको फेल करने वाली है दही अकेले ही। और हमारे आज के ट्रीटमेंट में वो ऐड करेगा एक्स्ट्रा वाला ग्लो, एक्स्ट्रा वाला शाइन और साथ में माइल्डली एक्सफोलिएशन भी ऐड करेगा। ट्रीटमेंट नंबर 3, राइस फ्लोर या फिर कहें चावल का आटा। जो चावल के आटे का टेक्सचर होता है ना वो थोड़ा खुरदुरा सा होता है और वो बहुत अमेजिंग स्क्रब बन जाता है आपकी स्किन के लिए। आप अगर चाहो नॉर्मली उसको मिला सकते हो रोज वाटर के साथ और स्क्रबिंग कर सकते हो प्रॉपरली, बहुत अमेजिंग रिजल्ट डिलीवर करने वाला है। रही बात आज की ट्रीटमेंट की, वो क्या क्या ऐड करने वाला है पहले वो बताते हैं। जबरदस्त वाला ग्लो, स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग, टैन रिमूवल या फिर डेड स्किन हटाने की बात हो, हर चीज में नंबर 1 है राइस फ्लोर। बहुत लोगों का फेवरेट इंग्रेडिएंट होता है राइस फ्लोर। इनफैक्ट मैंने भी एक रिसेंट पोस्ट भी डाला था, उसमें मैंने मेंशन
क्वेश्चन किया था आपका फेवरेट ब्यूटी इंग्रेडिएंट कौन सा है, और बहुत लोगों ने कहा उनका फेवरेट इंग्रेडिएंट है राइस फ्लोर, और होना भी चाहिए। बात हो प्रीमेच्योर एजिंग की, रिंकल्स हटाने की, फाइन लाइन्स हटाने की, या फिर आपको बढ़िया वाला ग्लो देने की, हर चीज़ में नंबर वन रहता है राइस फ्लोर। और हमारी आज की रेमेडी में ऐड करेगा थोड़ा सा एक्सफोलिएशन और बढ़िया वाला ग्लो, साथ साथ मेक श्योर करेगा आपका ग्लो लंबे समय तक सील्ड रहे। अब जब आप सारे मैजिकल इंग्रेडिएंट्स जान चुके हो, सीधा आगे बढ़ते हैं रेमेडी की तरफ। रेमेडी बनाना सीख लो, उसके बाद यूजेज जरूर ध्यान से सुनना, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल पाएगा। तो वीडियो को स्किप ना करना, तसल्ली से सुनना यूज कैसे करना है। आप सबसे पहले तो ले लो एक ग्लास बोल, उसमें आपने डालना है 2 चम्मच चावल का आटा, उसमें आपने ऐड करना है 1 चम्मच दही, प्रॉपरली उनको बढ़िया ढंग से मिक्स कर लो। फिर आपने उसमें डालना है 1 से 2 चम्मच आलू का रस, और अगेन प्रॉपरली बढ़िया ढंग से मिक्स कर लो। मेक श्योर करो जो आपका पेस्ट रेडी हो वो लंप फ्री हो और बहुत ही स्मूथ हो, ज़्यादा पतला ना हो और ना हो ज़्यादा थिक। अब आगे बढ़ते हैं यूजेज की तरफ, जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। आप सबसे पहले अपने फेस को प्रॉपरली वेट कर लो, अच्छी वाली क्वांटिटी में वो पेस्ट लो और अपने फेस पे प्रॉपरली उसको अप्लाई कर लो। उसे सर्कुलर मोशन में मसाज करना शुरू कर दो, एक्स्ट्रा फोकस करना अपने फोरहेड पे, अपने नोज पे, या जहां जहां आपको डलनेस हो रही है या ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स हो रहे हैं। एक प्रॉपर स्क्रब का काम करेगा आपके फेस के लिए। अच्छे से उसे मसाज करते रहो फॉर 5 मिनट्स, देन आपने इसको लीव ऑन करना है 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक ये सूख ना जाए। 20 मिनट लगते हैं एवरेज सूखने में। जब ये सूख जाए देन आपने इसको प्रॉपरली मसाज करके वॉश ऑफ कर देना है। ये बहुत जबरदस्त ढंग से आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को हटाएगा और एक जबरदस्त वाला ग्लो ऐड करेगा आपके फेस पे। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, ये 1 स्टेप ट्रीटमेंट है फॉर ग्लास स्किन, और ये एक्चुअली वही डिलीवर करने वाला है आपके लिए। अगर कितना ऑफन यूज करते हैं उसकी बात करें तो हफ्ते में 3 बार इसको फॉलो कर सकते हो फॉर बेस्ट रिजल्ट्स विद नो साइड इफेक्ट्स एट ऑल। और सिर्फ 2 हफ्ते इसको यूज कर देखो, दैट इज 6 बार, आपको अलग ही लेवल का ग्लो मिलने वाला है आपके फेस पे। और जो ग्लास स्किन की आप डिजायर रखते हो बिना मेहनत करे, ये वही ट्रीटमेंट है आपकी स्किन के लिए। अब जब आप इस ट्रीटमेंट को फॉलो करो, आपने एक चीज का खास ध्यान रखना है, आपने मेक श्योर करना है अपनी स्किन को प्रॉपरली मॉइस्चराइज करना ही करना है, बिकॉज हमारे को चाहिए ग्लो प्लस हाइड्रेशन, तभी आपको मिलेगी ग्लास स्किन। और डार्क स्पॉट और पिगमेंट से भी छुटकारा तब मिलेगा आपको जब आपकी स्किन प्रॉपरली हाइड्रेटेड होगी। तो एक अच्छे वाले मॉइस्चराइजर में इन्वेस्ट करो, और वो बहुत यूजफुल रहने वाला है आपके लिए और कंप्लीट करेगा हमारा आज का ट्रीटमेंट। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी सवाल अगर दिमाग में रह गया अभी के अभी जाओ नीचे और कमेंट करो, हम मोर देन हैप्पी होंगे आपके उस सवाल का जवाब देंगे और आपकी क्वेरी को बिल्कुल क्लियर करेंगे। ये वीडियो आप अपने उन फ्रेंड्स का शेयर भी जरूर करो जो आसान आसान स्किन केयर वीडियो पसंद करते हैं ना, इससे आसान ट्रीटमेंट उनको नहीं मिलने वाला, मार्क माय वर्ड्स। तब तक हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट सचदेवा।